राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंजबाल रुद्रप्रयाग पहुंची, जहां उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिले में मानव तस्करी, बाल मजदूरी, भिक्षावृत्ति, ड्रग्स की तस्करी समेत महिला सुरक्षा से जुड़े तमाम मुद्दों की उन्होंने समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सीमांत और दूसरे राज्य देशों से लगे गाँव कस्बे मानव तस्करी के लिहाज से बेहद संवेदनशील माने जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में पुलिस समेत संबंधित विभागों को अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के निर्देशन पर राज्य महिला आयोग और मदर्स एंजेल चिल्ड्रन सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला के लिए रुद्रप्रयाग पहुंची। वहीं सीओ हर्षवर्धनी सुमन ने केदारनाथ यात्रा के दौरान खो जाने वाली महिला या अन्य यात्रियों के लिए शेल्टर होम बनवाने की सिफारिश की। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल निगी की रिपोर्ट। बिल्कुल, सबसे पहले तो हमने ये कहा कि जो पंचायत राज हमारा वो निचले स्तर तक है और उसमें पंचायत राज को इसकी प्रमुख भूमिका हो सकती है। भविष्य में महिला आयोग चाहेगा कि पंचायत, हालांकि मैं पंचायत राज के साथ भी मेरी बैठकें हुई हैं, लेकिन ये आयोग की प्राथमिकता रहेगी कि सभी पंचायत के प्रतिनिधि जो हमारे होते हैं ग्राम स्तर में या ब्लॉक प्रमुख हों, जिला पंचायत सदस्य हों या मैं वार्ड मेंबर तक की बात करती हूँ, इनकी बहुत अहम भूमिका हो सकती है। इनकी भूमिका इसलिए हो सकती है कि जितना उनका वार्ड होता है उन्हें ये देखना होगा कि हमारे वार्ड में कौन सा व्यक्ति आ रहा है जिसे हम नहीं जानते हैं और वो उसका आने का उद्देश्य क्या है। ये सारी चीज़ों के लेके और भी जितने विभाग हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है,